पीलीभीत में बुधवार को बरखेड़ा ब्लॉक सभागार में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की नारियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बरखेड़ा के विधायक स्वामी प्रवक्तानंद जी ने अतिथि के रूप में पहुंचकर सभागार में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभागार कार्यक्रम एनजीओ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं एवं स्वास्थ्य शिक्षा पर काम करने वाली महिलाओं ने भाग लिया। यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र वे देवता, इस लाइन को करते हुए बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने सभागार में उपस्थित महिलाओं से सीधे संवाद करते हुए कहा कि ये जो सूत्र हजारों वर्षों पूर्व हमारे ग्रंथ में लिखा है, उसको पिछले 10 सालों में दुनिया में पूरा होते हुए देखा है। 21वीं शताब्दी पूरी तरीके से महिला शक्ति के नाम रहेगी। उन्होंने कहा, भारत की महिला पूरे देश को दिशा दे रही है। देश में प्रथम व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की समस्त महिला शक्ति का गौरव बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की नारी शक्ति दुनिया में परचम लहरा रही है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार में देश की महिला आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त हुई है। आजीविका सखी है, समूह सखी है, कभी चिंता मत करना। समय के साथ साथ बच्चा बड़ा होता है, छोटा सा पौधा बड़ा होता है, आपका वेतन भी बड़ा होता चला जाएगा। बहुत बहुत बड़ी चीजों की घोषणा होने वाली है। हमारा देश आत्मनिर्भर भी बनेगा, आत्म स्वावलंबी भी बनेगा, और आने वाले 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र भी बनेगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि आप सब मेरा साथ दो, ये देखते रहना चालू हो जाए, मैं बंद कर दूंगा। कहा कि विजन और संकल्प दोनों में अंतर होता। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।